देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इन दिनों रीवा से वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर चर्चा जोरों से चल रही है। गत दिवस रीवा दौरे पर रहे पश्चिम मध्य रेलवे के DRM और कल मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद ने ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 24 अप्रैल को विंध्यवासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिल सकती है। हालांकि रेलवे द्वारा इस ट्रेन के संचालन के संबंध में अब तक ना ही कोई जानकारी या शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे DRM ने रेलवे अधिकारियों को बताया कि यदि प्रधानमंत्री का रीवा रेलवे स्टेशन में आना और वंदे भारत ट्रेन का संचालन तय होता है तो पहले दिन करीब 350 छात्रों को वंदे भारत ट्रेन में सतना तक का सफर कराया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र सतना तक इस वंदे भारत ट्रेन के पहले फेरे में सफर का मजा लेंगे। सतना से इन छात्रों को वापस रीवा लाने की जिम्मेदारी स्थानीय रेल प्रशासन की होगी। DRM ने छात्रों को लाने करीब 12 विद्यालयों से सतत संपर्क करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि उक्त कार्यक्रम योजना के अनुसार संपन्न हो सके। गौरतलब है कि पिछले 10 दिन से रीवा रेलवे स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल तक वंदे भारत ट्रेन के संचालन का खाका तैयार किया जा रहा है जिस पर अमली जामा जल्दी पहनाया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन रीवा से हो सकता है। बीते सप्ताह पश्चिम मध्य रेलवे के 4 इंजीनियर अधिकारियों के दल ने भी रीवा रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया था। अब DRM का दौरे और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद इस संभावना को और बल मिला है। बताते हैं कि वंदे भारत ट्रेन के संचालन हेतु स्थानीय रेल कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री रीवा से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन को चलाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से आवश्यक तैयारी रेलवे स्टेशन परिसर में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने गत वर्ष जब 100 वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की थी तब रीवा से 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रैक आवंटित किए थे। इसमें से वंदे भारत ट्रेन रीवा से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के लिए चलाने की बात कही गई थी जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन रीवा से जयपुर चलाने का उल्लेख उक्त सूचना में रहा। अब फिलहाल एक ही वंदे भारत ट्रेन को लेकर रस्साकस्सी चल रही है। रीवा सांसद, खजुराहो सांसद आदि रेल मंत्रालय से इस ट्रेन को चलाने पत्राचार कर चुके हैं। अतः रेल मंत्रालय का निर्णय अब शीघ्र ही सामने आ सकता है।